नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं अनबॉक्सिंग, डेमो और रिव्यू प्रेस्टीज प्लेटिना कनेक्शन में से स्टेनलेस स्टील कुकवेयर, और ये है प्रेस्टीज का फ्राइंग पैन। ये है प्रेस्टीज का स्टेनलेस स्टील 220 mm का फ्राई पैन। मैंने अब तक जो भी नॉनस्टिक कुकवेयर्स यूज़ किए हैं, तवा हो, फ्राई पैन हो या वोक हो, तो एक साल से ज़्यादा कोई भी कुकवेयर नहीं आया है। उनका जो कोटिंग रहता है नॉनस्टिक, वो एक साल के अंदर ही निकल जाता है और फिर वो बर्तन जो है वो फेंकने पड़ते हैं। तो मुझे एक स्टेनलेस स्टील का फ्राई पैन ऑर्डर करके देखना था, इस्तेमाल करके देखना था, ताकि फ्राइंग पैन नॉन स्टिक पैन के बदले ये एक अच्छा ऑप्शन हो हेल्दी कुकिंग के लिए। इसलिए मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। इसकी MRP जो है, वो जो बॉक्स पे दी है वो है 990 rupees, लेकिन मैंने ये अमेज़ॉन से ₹830 में ऑर्डर किया है। इस स्टेनलेस स्टील फ्राई पैन की खासियत यह है कि ये हैंडल जो है वो हीट रेजिस्टेंट हैंडल है। ये जो फ्राई पैन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये लंबा चलेगा। साथ ही साथ ये गैस स्टोव और इंडक्शन स्टोव दोनों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये डिशवॉशर सेफ़ भी है, यानी कि आपके डिशवॉशर में ये आप धो सकते हैं। और इसकी सतह जो है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है ताकि हीट जो है वो अच्छी तरह से खाने को जल्दी और हर तरफ से पकाए। तो ये एक अच्छा फ्राई पैन मुझे लगा है। आइए अभी इसका डेमो देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने इसमें आलू के वेजेस फ्राई किए हैं। ये देखिए, मैंने तेल डाला है और जब मैंने ये फ्राई किए तो मैंने एकदम हाई फ्लेम नहीं रखा और लो भी नहीं रखा, लेकिन जल्दी से फ्राई हुए हैं और सतह को स्टिक नहीं हुए हैं। इजी था फ्राई करना। इसका हैंडल जो है वो गर्म नहीं होता है, नॉर्मल रहता है, तो पकाते वक्त हम आसानी से इसे उठा सकते हैं। जो भी है इसमें फ्राई हो रहा है वो टॉस कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरे वेजेस जो है वो फ्राई होके रेडी है। इसके बाद हम देखेंगे इसका मैनुअल वॉशिंग का डेमो। ये देखिए, वेजेस इसमें फ्राई होने के बाद मैंने बेसिन में नल के पानी के नीचे इसे ये जो स्कॉच ब्राइट है उससे आसानी से साफ़ हो गया है ये। नॉन स्टिक कुकवेयर जो अनहेल्दी होता है उसकी कोटिंग की वजह से, जो कुकिंग के वक्त हमारे खाने में मिक्स हो जाता है, तो कंपैरेटिवली ये स्टेनलेस स्टील का फ्राई पैन मुझे अच्छा लगा है, जो इसमें हम हेल्दी कुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप तेल डालें अच्छे से तो स्टिक नहीं होता है पैन को कुछ भी, और सिम फ्लेम पर अगर आप कुक करेंगे तो जलेगा भी नहीं और बर्तन साफ़ करने में भी आसानी होगी। तो ये मुझे एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है ये नॉन स्टिक कुकवेयर के बदले। ये देखिए, दूसरी बार मैंने इसमें ये चिकन फ्राई कर रही हूँ मैं, और ये मैंने थोड़ा हाई फ्लेम में पकाया है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाए इसलिए। और इसको बाद में मैंने सोक करके रखा धोने से पहले, और लेफ़्ट ओवर निकाल के अब मैं ये डिशवॉशर में धोने का आपको डेमो दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये डिशवॉशर से फ्राई पैन हमारे डिशवॉशर में धोकर रेडी है फिर से एक बार इस्तेमाल होने के लिए। ये तीसरा डेमो है, मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ इसमें। मेरे नॉनस्टिक बर्तन जो थे, तवा या फ्राइंग पैन्स या वोक्स, वो हर 6 महीने में मुझे चेंज करने पड़ते थे। हर 6 महीने में नया तवा मुझे ऑर्डर करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये अच्छा ऑप्शन लगा है मुझे
अगर इस तरह के बर्तन अगर हम रखें हमारे किचन में, तो एक टाइम इन्वेस्टमेंट होगा और हेल्दी कुकिंग भी हो जाएगा। तो ये था प्रेस्टीज फ्राई पैन का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसी तरह के प्रोडक्ट रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए।